हेलो ट्वेंटी 2023 एस्ट्रेंड्स सो हम स्टूडेंट्स की जनरली दो टाइप की मेजर प्रॉब्लम्स हैं वन इज सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है और वी माइट नॉट बी एबल टू कंप्लीट कम्प्लीट सिलेबस बिफोर आर डेडलाइन जितना हम पढ़ते जा रहे हैं हम उतना भूलते जा रहे हैं द वे वी स्टडी और वट वी हैव स्टडीड वी कीप ऑन फॉरगेटिंग दैट आप लोगों में से कितनी प्रॉब्लम्स आप अपने साथ रिलेट कर पाते हैं मे बी फर्स्ट मे बी सेकेंड और बोथ लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन इन दिसम गोइट दी सेकेंड प्रॉब्लम इन आई टी जे प्रिपरेशन हिस्ट्री क्यों हम लोगों फिर भी सिलेबस का तो दिमाग में हमेशा रहता है पर हम ये चीज के मैं पढ़ता हूं और भूल जाता हूं ये तब रिलाइज करते हैं वेन वी आर गोइंग टू राइट अ Test. तब हमें याद आता सर मैं तो सब कुछ भूल गया बिकॉज वी डू नॉट ट्रीट इट एज अ प्रिपरेशन वेयर एज रिमेबरिंगल आप कोचिंग जाते हैं चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन अब वहां जाते हैं कुछ सीखने के लिए नॉलेज गेन करने के लिए नए मैथड टू अटैक अ पर्टिकुलर क्वेश्चन बेसिस दैट इज वॉट बिकम हैबिचुअल टू बट यू आर नॉट है

व्हाट डू आई मीन बाय रिवीजन सर रिवीजन कैसे करना चाहिए उसके भी दो तरीके हैं ढंग से सुनिएगा पहला आपने जो आज पढ़ा मान लीजिए आपको कोचिंग में कुछ पढ़ाया गया ठीक है या आपने वीडियो लेक्चर से कुछ सीखा तो आज आप एक रात को सोने से पहले दिमाग में सिर्फ विदाउट पेन पेपर यू विल जस्ट मेक अ माइंड मैप ओके आज मैंने यह पढ़ा था ऐसे ऐसे करा था सर ने यह बताया था यह फॉर्मला था अच्छा यह जो क्वेश्चन था इसमें यहां पर यह इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे समझ में नहीं आया था वाई एम से बिकॉज माइंड वर्क वे फास्टर देन वॉट वी कैन राइट ऑन पेन एंड पेपर पेन पेपर में नोट्स बनाओगे ब्ला ब्ला करोगे नोट ऑलरेडी आप बना चुके हैं क्लास में आप सिर्फ दिमाग में रिवाइज करिए अगला दिन मान लीजिए आप अगर कोचिंग क्लास जा रहे हैं तो यार आपका जो कम्यूट का टाइम है उसमें भी आप ये काम रिवाइज कर सकते हैं बिकॉज आर ब्रेन वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड तो इस तरीके एंड दिस इज़ द स्ट्रेटेजी विद टॉपर्स फॉलो दैट वो माइंड में बहुत काम कर जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कम पढ़ते हैं पर इफेक्टिव पढ़ाई करते हैं फिर आपको जो सात दिन बाद है दिन बाद सेम काम करना चाहिए बट अब मैं प्रेस्क्राइब करूंगा अब आपको क्वेश्चंस के साथ रिवाइज करना चाहिए सिमिलरली डेज बाद भी आपको क्वेश्चन के साथ रिवाइज करना चाहिए सो फॉर मान लीजिए आपने इलेवंथ में कुछ पढ़ा था आप पक्की बात है निश्चित तौर पर यू वुड फॉरगॉटन दैट अब आप ट्वेल्थ में है। या फिर आप ड्रॉपर हैं आपने एक महीना पहले कुछ पढ़ा था आपको लग रहा है आप भूल गए हैं आपको डेली बेसिस पे एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि मैं पांच पांच या दस दस क्वेश्चन जो मैंने एक महीना पहले या एक साल पहले चैप्टर्स पढ़े थे उनके कोई भी पांच रैंडम क्वेश्चन उठाऊंगा एक चैप्टर के एक दिन में और वो प्रैक्टिस करूंगा आप चाहे तो इसके लिए मार्क्स ऐप यूज कर सकते हैं जो हमने बना रखी है आप लोगों के लिए आप वहां चैप्टर में जाएं और टेक अ चैलेंज पे क्लिक करें तो कोई भी प्रीवियस ईयर में से पांच क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे अपने आपको डेली टेस्ट देने की जरूरत नहीं है पांच क्वेश्चन अब इसमें उसे हो सकता है कई कई बार आपसे क्वेश्चन सोल्व ना हो तो आप क्या कर सकते हैं मेक इट अ ओपन टेस्ट ओपन टेस्ट मतलब आप चाहे तो अपने नोट्स में जाके आप फॉर्मुला रेफर कर सकते हैं बट क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए इससे क्या होगा आपको अपना ये टेस्ट नहीं करना आउट ऑफ फाइव क्वेश्चन हाउ मेनी आई एम एबल टू सॉल्व यू हैव टू एक्चुअली द पर्पस इज फॉर रिवीजन उन पांच क्वेश्चन में अगर आप पांच के पांच भी नहीं कर पाते हैं इट इज इवन बेटर बिकॉज यू विल लर्न एंड रिवाइज दैट मीनस फाइव फॉर्मुलाज यू माईव फॉर इन फैक्ट मोर देन फाइव आई डेली सो दिस इज द प्रैक्टिस दैट यू शुड कीप ऑन फॉलोइंग रेगुलर बेसिस बेसिस विदाउट वरिंग अबाउट मेरा स्कोर कितना बन रहा है मैं कहा अप कर रहा हूं और रिविजन को दो तरीके जो मैंने आपको बताए एक तो मेंटल रिविजन और दूसरा रिविजन विद क्वेश्चन करना शुरू करें आज से अभी से आज रात से काम करना शुरू करना है इट इज नेवर लेट टू डू अ गुड एक्टिविटी रिमेंबर दैट एंड दैट इज वॉट सक्सेसफुल पीपल कीप ऑन डूंग रिपीटेटिवलीस गॉर्ड बेस्ट कीप वर्किंग हार्ट